लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर में गोली चली। उनके बेटे विकास किशोर के पिस्तौल से गोली मारी गई। घर से लाश मिलने पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान, कहा हत्या की जांच की जाएगी। जिस वक्त यह घटना हुई मेरा बेटा वहां पर नहीं था। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, परीक्षण टीम भी इसमें लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से हमारा बहुत रहा है बेचारा, उसकी घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे, कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू ही हमें नहीं था। आंसू कल दिल्ली चला गया था, मेरे यहाँ विधायक जी बीमार थी हॉस्पिटल में, तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है, जिन लोगों को किया है वो जांच कर, जांच होगी उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा।